फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्रे हूं या फिर हंटर। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पूरी फैमिली हंटर है लेकिन मैं प्रे हूं। मुझे जल्दी से मेकअप करके ये मार्क छिपाना होगा इससे पहले कोई देख ले। रिंकी तुम इतने देर से अपने कमरे में क्या कर रही थी? डिनर। क्या तुमने क्या बोला? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया है। रिंकी तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। रिया हंटर प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। क्यों, तुम तो हंटर हो और हंटर का तो यही काम होता है प्रे को मारना। बस ऐसे ही। पापा। हाँ बोलो रिंकी क्या हुआ? अगर मुझे हंटर के जगह प्रे मार्क मिला होता तब क्या होता? हमारे पूरे खानदान का यही रूल है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी प्रे मार्क मिलता तो हम उसे मार देते हैं, और ये रूल सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो क्या आप मुझे मार देते? क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो हंटर मार्क मिला है ना। बस ऐसे ही, मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ इसीलिए पूछ रही थी। ओ तो तुम्हारे फ्रेंड को प्रे मार्क मिला है। रिंकी सुनो। हाँ मम्मी। चलो हमें हंटिंग करने के लिए चलना होगा। ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म होता है। अरे मम्मी इसको करने दीजिए ना, वैसे भी आज इसका पहला दिन है। चलो रिंकी इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ के रखा है। पहले मैं बस ऐसे खड़े होकर देखती हूँ कि करते कैसे हैं, फिर मैं बाद में करूंगी। मैंने बोला ना रिंकी, मैंने इसको पकड़ के रखा है, जल्दी से इसको मारो। छोड़ दो मुझे। रिंकी तुम्हारी मम्मी जैसा बोल रही है वैसा करो। पापा मैंने बोला ना इसको मारो, जल्दी करो। मम्मी पापा आई एम सॉरी लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। तो क्या तुम मरना चाहती हो इस इंसान के लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो? रिंकी तुम हंटर हो और ये प्रे है, रहने तो तुमसे नहीं होगा। ओए तुम उठ जाओ। मैडम एक्टिंग करने के चक्कर में आपने मुझे इतना जोर का मारा। मम्मी पापा आप लोग एक्टिंग कर रहे थे तो ये कोई रियल का प्रे नहीं है। हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे ये देखने के लिए कि तुम सच में हंटर हो या फिर प्रे हो। लेकिन अगर मैं इसे सच में मार देती तो? और अगर तुम सच में हंटर रहती तो हम लोग को मार देती। लेकिन हमारी फैमिली तो हमेशा से हंटर थी ना। नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपना मार्क हटाना होगा। क्या आप सब लोग प्रे हैं? हम हमेशा से प्रे थे। अब चलो हमें सच में हंटिंग पे जाना होगा। क्या लेकिन हम लोग तो प्रे है ना, तो हम लोग क्यों हंटिंग पे जाएंगे? अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया, अब प्रे भी हंटिंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रिंकी बेटा हंटर्स कभी भी खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे दूसरों के लिए। मुझे पता है पापा। तो आज के बाद से तुम ऐसा मत करना, हमको छोड़ के तुम सबकी नजर में एक हंटर हो। अगले दिन सबको पता है ना कि क्या करना है। रिंकी जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी जब भी तुम किसी प्रे के साथ रहना तो उसे मार देना, समझी? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। और अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या लेकिन मैं तो वहां से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था, मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है, सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके नाइस टू मीट यू, बाद में मिलते हैं। ओके ओके। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रिंकी रिया अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी हम एक... रिया मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रिंकी हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए एक पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए। और वाह तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है मैं जाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने कभी भी अपने अलावा मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या करना है? रिंकी अपनी माँ से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझी? आप अपने कमरे में जाओ। पार्टी में जाने से पहले याद रखना कि मेकअप से तुम मुझे पता है मम्मी। रिंकी बेटा हमें तुम्हारे पर बहुत प्राउड है, ओके? तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। काफी ज्यादा लेट हो गया, अब जाके जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। ओ
हाय रिंकी। हाय राहुल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में आओगी क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और पता है उसके बाद राहुल जोर जोर का रोने लगा, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी देखा मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू अपने फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। हे गाइस देखो मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया रिंकी क्या तुम इस लड़की को जानती हो? जब मुझे मार्क मिला था उससे पहले हम फ्रेंड्स थे। नहीं ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी मैंने सही बोला ना? रिया रिंकी तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास कर रही है। रुको मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा अगर मुझे मारना है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना वो मुझे नहीं मारेगी क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से। वाओ रिंकी तुम तो कमाल की हंटर हो, मजा आ गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कॉमेंट्स में ब्राउन हार्ट कॉमेंट करना। एंड या गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।